बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पहला स्टेप पढ़ा था, मसले का तायन करना। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मसले को समझना। अब जब हमने मसले को तायन कर लिया, मतलब हमने डिफ़ाइन कर लिया मसला, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो मरहला है वो है मसले को समझना। ज़रूरी है कि मसले को हल करने से पहले इसे समझा जाए। मिसाल के तौर पर एक पहेली का जवाब इसे मुकम्मल तौर पर समझने के बाद ही दिया जाता है, ठीक हो गया। एक मसले को वाज़ह समझने से इसको हल करने में आसानी पैदा होती है, वक्त और वसाइल को बचाने में मदद मिलती है, ठीक है। अब जिस तरह ना मसले को समझने के लिए 5 W जो हैं उनकी पहचान शामिल होती है। अब वो क्या, व्हाट, हू, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। व्हाट क्या, हू कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसको इस 5 W's को कवर करती हूँ। एग्जांपल क्या है, आपसे मैंने लेना है ऑनलाइन टेस्ट लेना है। तो मसला क्या है, व्हाट क्या है मसला, ऑनलाइन टेस्ट, हू कौन लेगा, लेगा कौन, ठीक है, मैं लूँगी, एक टीचर लेगी, व्हेन कब लेगी, मैंने आपको डेट भी बता देती हूँ कि इस डेट को मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूँगी कंप्यूटर साइंस का। वेयर कहाँ लूँगी, आप अपने घर से देंगे टेस्ट, घर में बैठ कर देंगे और मैं ऑनलाइन आपसे टेस्ट लूँगी, ठीक है। व्हाई क्यों लूँगी, ताकि जो है आपकी काबिलियत को देखा जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब देखिए इन्होंने भी एग्जांपल दी हुई है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपकी क्लास टीचर को आपको अपने स्कूल में उन तलबा की फ़ुर्सत, जिनका नाम आगाज़ हरफ ए से शुरू होता है। अच्छा, ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो तमाम स्कूल के तलबा की एक हरूफ तहजी के लिहाज से डायरेक्टरी के तैयार करने के लिए फुर्सत। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल है, ये देख लीजिएगा। मैंने जो एग्ज़ाम्पल दे दिया वो भी इसको मुकम्मल तौर पर पूरा उतरती है, ठीक है। अब ये देखें, शक्ल 2.1, ये शक्ल देखें, रेड हमें किस बात का बता रहा है कि मसला है, ठीक है। येलो किस बारे में बताता है कि तजिया करना, तजिया से क्या मतलब, एनालिसिस हम करते हैं, मतलब उस मसले को गौर से देखते हैं, उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और जब ग्रीन हो जाए लाइट तो इसका मतलब हल हो गया मसला। अच्छा, हल की मंसूबा बंदी, प्लानिंग ए सलूशन। जब नेक्स्ट स्टेप जो है वो होता है हल की मंसूबा बंदी। हम जो है मंसूबा बंदी बनाते हैं अपने मसले को हल करने के लिए, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हल की मंसूबा बंदी के लिए 4 स्टेप होते हैं। 4 मतलब वो होते हैं हिकमत अमली, हम इस तरह से मरहले होते हैं 4, ठीक है। अब कामयाबी के लिए मंसूबा बंदी के लिए क्या करते हैं, तकसीम करें और फतह हासिल करें। मतलब जो है ना, हम मसाइल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं और फिर उन्हें हल करते हैं। अंदाज़ा लगाएं, जांचिए और बेहतर बनाइए। अच्छा, डिज़ाइंस मसले को हल का अंदाज़ा लगाता है, फिर हल की दुरुस्ती को चेक करता है। अब ये किस तरह के, हम ना मसले को हल करने के लिए, प्लान करने के लिए ना हम अंदाज़ा लगाते हैं, हाँ ये जो है प्लानिंग जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कि ये ठीक रहेगी और इससे सलूशन निकल आएगा। हम वो अंदाज़ा लगाते हैं, फिर चेक करते हैं और फिर करते हैं और फिर हम उसे बेहतर बनाते हैं वक्त के साथ साथ। ये जो है वो पूरी ज़िंदगी ही अमल चलता रहता है। एक्ट इट आउट, इसका मतलब आप ऐसे ले लेंगे टाइम टेबल। हम हर काम को अपने वक्त पे सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं, प्लान बना लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने एकेडमी जाना है तो उसे पता है कि 4 बजे एकेडमी जाना है, 4:05 पे इस सर की क्लास है, 5:05 पे इस सर की क्लास है या टीचर की क्लास है। इस तरह से प्लान के ज़रिए चला जाता है, ठीक है। अब नमूना, अब देखें, एक्ट इट आउट होम मतलब ये है ना टाइम टेबल, मतलब हमने एकेडमी जाना है, हमारे लिए मसला है और फिर हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, प्लानिंग बना के सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, नमूना, प्रोटोटाइप। अब ये किसे कहते हैं, हम ना जो है मसले को हल करने के लिए तस्वीर बना लेते हैं एक, उससे इजीली मसला, आसानी से मसला हल हो जाता है। अब आगे चलते हैं जी, कैंडिड सॉल्यूशन की वजाहत। अब कैंडिड सॉल्यूशन, ये मैं पूरा पढ़ने से पहले एक बार बता दूं कि कैंडिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, अगर किसी कोई बंदा जो है वो प्लानिंग ए सॉल्यूशन, मतलब जो मसले को हल करने के लिए, जैसे ये था ना मसले को हल करने के लिए मंसूबाबंदी थी, हल की मंसूबाबंदी थी, प्लानिंग ए सॉल्यूशन, अगर उनको फॉलो नहीं करता, प्लान नहीं करता, तो वो कैंडिड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करता है। कैंडिड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करता है, इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं हम कि अब देखिए, मिसाल दी, ऐसे तलबा की कितनी
आपके स्कूल में ऐसे तुलबा की कितनी तादाद है जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आप इस आप अंदाज़ा कैंडिडेट सोल्यूशन जो एक अंदाज़ा होता है कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ भाई मसले का हल ये हो सकता है, और अंदाज़ा कभी कभी ठीक होता है और कभी कभी ठीक नहीं होता, इसलिए कैंडिडेट सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देता। आप इस तरह अंदाज़ा इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी क्लास में तुलबा शुमार करें और जो क्रिकेट खेल सकते हैं, फिर इसको स्कूल के में तमाम मौजूद तमाम क्लासों से ज़रब दें, आपके पास इन लड़कों की तादाद आ जाएगी जो क्रिकेट खेलते हैं। आपके जो आप इस तरीके से कैंडिडेट सोल्यूशन होगा, क्रिकेट के खिलाड़ियों की दुरुस्त तादाद जाने के लिए आप कुछ और तरीके भी इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास दुरुस्त तादाद नहीं आई उनकी ना, जो क्रिकेट खेलते हैं क्लास में उनकी दुरुस्त तादाद नहीं आई, क्योंकि अलग अलग क्लास में हर तरह से ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं तो दूसरी क्लास में भी 10 ही खेलेंगे, क्या पता वहाँ पे 6, 7, 8 खेलते हों स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये कैंडिडेट सोल्यूशन हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देता, मतलब ये हमें अच्छा सोल्यूशन नहीं देता, और इसलिए और साथ मतलब अगर हमने पूरी की पूरी तादाद को सही से जाँचते हैं तो हम दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपनी क्लास अपने टीचर से डाटा ले सकते हैं कि बताइए टीचर जी हर एक क्लास में जा जा के, इस तरह से हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम प्लान कर लेते हैं, कैंडिडेट सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास बेहतरीन हल का इंतखाब। जब हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के एक ही मसले के बहुत से हल मौजूद होते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट मरहला होता है, ये चूज़ करना होता है, ये इंतखाब करना होता है कि हमने सबसे बेहतरीन हल कौन सा तलाश करें, कौन सा हम बेहतरीन हल इस्तेमाल करें कि हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मसला हल हो जाए। अब देखिए जैसे मैंने यूनिवर्सिटी जाना ना, तो मेरे पास जो है वो बहुत से इस यूनिवर्सिटी जाना एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और मेरे पास किस तरह से इसके हल होंगे कि मेरे पास इस तरह से हल होंगे कि मैं लोकल भी जा सकती हूँ, मैं मेट्रो से भी जा सकती हूँ, मैं घर वालों से में से भी किसी को कह सकती हूँ कि मुझे छोड़ आए। अब मैं लोकल जाऊँगी तो लोकल किस तरह से जाऊँगी, मतलब मुझे टाइम लगेगा ज़्यादा ट्रैफिक हुई तो, मेट्रो से जाऊँगी तो रूट उसका अलग है तो वहाँ ट्रैफिक नहीं होती तो इसलिए मैं वहाँ से जल्दी पहुँच जाऊँगी यूनिवर्सिटी। तो बेस्ट सोल्यूशन मेरे पास क्या हुआ कि मैं जो है वो मेट्रो से जाऊँ, घर वाले अगर घर ना हुए तो मुझे दिक्कत होगी, इस तरह से जो है मैंने सबसे बेस्ट सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का निकाल लिया। इसी तरह से कंप्यूटर के फील्ड में भी बेस्ट सोल्यूशन का इंतखाब किया जाता है। अच्छा अब देखें इनको पढ़ लेते हैं, कभी कभी हम एक से ज़्यादा हल तलाश करते हैं और इससे बेहतर का इंतखाब करते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपके स्कूल के तमाम तालबिलों के नाम एक वेबसाइट पर मौजूद हैं, ठीक है, आपको एक ख़ास नाम का तलाश करने कहा जाता है, तो आप किस तरह से तलाश करेंगे, आप वेबसाइट पर मौजूद सब नामों को एक एक करके देखेंगे यहाँ तक कि नाम आपको मुकम्मल मिल जाएगा या फ़ुर्सत कम ख़त्म हो जाएगी, फिर इन नामों का प्रिंट हासिल करेंगे और मतलूबा नाम तलाश करेंगे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हमें सॉल्यूशंस दिए होंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, आप सारे नाम कॉपी करेंगे, इन्हें एक्सेल शीट पर डालेंगे, इसके हरूफी तहजी के अतबार से तरतीब देंगे, एक मरतबा शुदा फहरस्त में तलाश निस्बतन आसान होती है, सिर्फ कंट्रोल प्लस एफ को दबाएँ, और इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हल दिए हुए हैं किस तरह से हम जो है नाम तलाश कर सकते हैं, ये मतलब एग्जांपल दी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया कि हर स्टेप मतलब जब हम प्लान भी कर लिए हैं, डिफ़ाइन भी कर लिया प्रॉब्लम को, उसके बाद हमने प्लान भी कर लिया, फिर हमने कैंडिडेट सोल्यूशन भी निकाल, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो ये होता है कि हमने बेहतरीन हल का इंतखाब करना है। अब बेहतरीन हल का इंतखाब जो है वो प्रॉब्लम जो मसला है उसकी ज़रूरियात पर इनसार करता है। ये था आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में फ़्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, उन्हें भी नॉलेज मिले, जिस स्टूडेंट को जहाँ जहाँ से समझ नहीं आती वो पूछ सकता है। थैंक यू।